खबर भिंड के, जहां मिलावटखोरों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ग्वालियर की एसटीएफ टीम ने ये कार्रवाई की है। नकली दूध बनाने वाली राधा डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की गई। भारी मात्रा में मिलावटी दूध, दूध बनाने का घातक केमिकल जब्त किया गया है। 5,300 लीटर मिलावटी दूध, 5 से किलो RM केमिकल, 19 टन रिफाइंड सोयाबीन, 7 किलो कास्टिक सोडा, 15 पाउच शैम्पू, दूध बनाने का घोल, मेल्टॉस पाउडर, न्यूट्रीलाइट रिफाइंड ऑयल की 19 खाली टीन, 2 गैस चूल्हे, गैस सिलेंडर सहित भारी मात्रा में सामान जब्त किया है। सालों से नकली दूध बनाने का एक कारोबार चल रहा था। कई बड़ी नामी कंपनियों में मिलावटी दूध जाता है। मिलावटी दूध बनाने वाला कारोबारी गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर की एसटीएफ टीम की ये कार्रवाई, साथ में भिंड की खाद्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। ग्वालियर एसटीएफ की अहम भूमिका है इस कार्रवाई में। लहार थाना क्षेत्र के राहुली दुबारी गांव का ये पूरा मामला है। सर बताएं, कल राहुली गांव में जो कार्रवाई हुई है, क्या पूरा मामला है? कल दिनांक 22/8 को एसटीएफ टीम ग्वालियर और खाद्य सुरक्षा विभाग भिंड द्वारा संयुक्त कार्रवाई ग्राम राहुली में की गई थी। वहाँ पर रामवीर सिंह चौहान नाम का व्यक्ति जो था, वो अपना एक कलेक्शन सेंटर चलाता था। उसकी डेयरी राधे डेयरी नाम से रजिस्टर्ड थी। तो वहाँ पर 2 टैंकर मिले थे जिसमें 5,500 लीटर दूध था और डेयरी की कमरे में RM केमिकल, माल्टी डस्टिंग पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और बहुत सारे द्रव्य पाए गए थे। सभी के नमूने लिए गए हैं, जाँच के लिए भोपाल भेजा गया। साथ साथ में जो रामवीर सिंह चौहान था डेयरी संचालक, उसके विरुद्ध एसटीएफ इकाई ग्वालियर में FIR दर्ज कराई। मौके पर नहीं मिला? मौके पर रामवीर सिंह चौहान मिला था उसको गिरफ्तार करके एसटीएफ टीम जो है ग्वालियर में। ऐसे सर आगे भी कोई कार्रवाई जारी रहेगी? विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसी कार्रवाई लगातार चलती रही। अभी पूर्व में भी आपने कुछ कार्रवाई की है? अभी पूर्व में इसके पहले 3 दिन पहले ही ग्राम लहरौली में भी कार्रवाई की थी, इसमें भी FIR दर्ज कराई। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।